स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे विटोर क्लासेस में। अगर आप लोग कैट, बैंक पीओ या एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो हमारे क्लासेस फॉलो किया कीजिए, काफ़ी लाभदायक रहेगा आप लोगों के लिए। हम आप लोगों के लिए काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक्स लेके आए हैं जिसके वजह से आपका हर एक सवाल बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अगर M1 आदमी W1 कार्य D1 दिन में कर सकते हैं और M2 आदमी W2 कार्य D2 दिन में कर सकते हैं, तब एक जनरल फॉर्मूला है जो इन दोनों में एक रिलेशनशिप बनाता है, वो यह है M1D1 × W2। याद रखिए दोस्तों, W2 M1D1 W1 नहीं है, ये M1D1 × W2 = M2D2 × W1। यही मेन फॉर्मूला है और यही इस चैप्टर का शॉर्टकट ट्रिक है। अगर हम लोग इसमें समय इंक्लूड कर दें, मान लीजिए T1 और T2 दोनों ग्रुप्स के लिए, तब नया रिलेशनशिप आ जाता है M1D1 × T1 × W2 = M2D2 × T2 × W1। और अगर दोनों की योग्यता हम मान लेते हैं कि E1 और E2 है, तब नया रिलेशनशिप बन जाता है M1D1 T1 E1 × W2 = M2D2 T2 E2 × W1। दोस्तों ध्यान से देखिए, M1D1 T1 × E1 × W2 है, W1 नहीं है, = M2D2 × T2 E2 × W1। ये फॉर्मूला आप एकदम अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए। आइए अब हम इस पे कुछ सवाल बनाते हैं। सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, 40 आदमी 60 पेड़ों को 8 घंटों में काटता है। अगर 8 आदमी यही कार्य छोड़कर चले जाते हैं तो बताओ कुल कितना पेड़ कट पाएंगे 12 घंटों में। तो हमारा फॉर्मूला के अनुसार M1 = 40 है, D1 = 8 हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दिन और घंटा दोनों ही समय को डिनोट करता है। W1 क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 है, 60 क्योंकि यहाँ पे पेड़ को काटना ही कार्य है, ठीक है। M2 हम लोग 40 में से 8 माइनस कर देंगे। तो आइए दोस्तों वही सवाल अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, बाय रूल्स ऑफ फ्रैक्शंस के द्वारा। ये अगर आप ये तरीका समझ गए तो चंद ही सेकंड में आप ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सीखते हैं बाय रूल्स ऑफ फ्रैक्शंस। पहले 40 आदमी थे, फिर जब 8 आदमी चले जाते हैं तब 32 हो जाते हैं। चूंकि व्यक्तियों की संख्या घट जाती है तो पेड़ों की कटने की संख्या भी कम हो जाएंगी ऑब्वियसली, इसलिए 60 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे लेस देन वन फ्रैक्शन से। लेस देन वन फ्रैक्शन से कहने का मतलब है 32/40, यानी कि 32 आदमी / 40 आदमी। आगे चूंकि समय 8 घंटा से बढ़कर 12 घंटा हो जाता है, तब तो ज़्यादा पेड़ कटना चाहिए, इसलिए कॉमन सेंस लगा के हम प्रीवियस प्रोडक्ट जो कि है 60 × 32/40 का गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे मोर देन वन फ्रैक्शन से। मोर देन वन फ्रैक्शन कहने का मतलब 12/8 मोर देन वन फ्रैक्शन है 12 घंटा/8, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 60 × 32/40 × 12/8, तो कट कुट के इसका भी उत्तर उतना ही आएगा, 72 पेर। ये तरीका उससे भी आसान है अगर आप समझ गए तो, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका उत्तर आएगा 72 पेड़। अगर आप लोगों को हमारा यह पहला वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।